एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य आ पहुंचा। बुद्ध साधना में बैठे हुए थे। शिष्य के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और शिष्य से आने का कारण पूछा। तो उनका शिष्य ने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि धर्म की राह बहुत मुश्किल है, तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे, हो सकता है कि अशब्द भी कहे। इस पर शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दे। शिष्य ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से तो प्रहार नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। शिष्य ने पुनः उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मारा, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? शिष्य ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा शिष्य से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो, जो किसी में भी दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है, जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे वही बाधाएं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। और इसी तरह भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया और धर्म प्रचार में चलने का अवसर दिया। उनका शिष्य खुशी खुशी आशीर्वाद लेकर अपने धर्म प्रचार में जुड़ गया। इस कथा का सार यह है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और जो व्यक्ति इन मुश्किलों को पार कर आगे पहुंच जाते हैं सच्चे साधु कहलाते हैं, जिन्हें इस दुनिया की दैनिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं होता है, और वे खुशी खुशी अपने जीवन भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लेते हैं।